देखिए रामचंद्र को ग्लोबल स्टार बोलना हम सबने स्टार्ट कर दिया था, और फाइनली भाई रामचंद्र का मैनिफेस्ट बोले या पूरे हिंदुस्तान का, सुनने में आ रहा है कि एक हॉलीवुड प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हैं रामचरण, एंड दिस इज अ पीरियड ड्रामा। भाई मजा आ जाएगा, और इतना ही मेरी गारंटी है जो भी डायरेक्टर होने वाला है, जिसने भी रामचरण को लिया है वो दो मूवीज के कारण लिया होगा। सबसे पहले RRR उनकी देखी होगी, और रिसेंट मूवी में अगर कहीं गया होगा और मगधीरा देख ली होगी तो उनको समझ आ गया होगा दिस गाय इज बोर्न टू प्ले भाई पीरियड मूवी रोल्स। भाई खतरनाक होने वाला है, एंड सुनने में आ रहा है कि ज़्यादा बड़ा कैरेक्टर नहीं होगा लेकिन एक हिंदुस्तान के ही राजा को दिखाया जाएगा, और भाई धमाका होने वाला है। इस चीज़ पे NTR ने जो रिएक्शंस दिए भाई वो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल थे। जब उनसे पूछा गया कि भीम आपके दोस्त जराम जो हैं वो हॉलीवुड में जा रहे हैं, ही इज़ फुलफिलिंग हिज ड्रीम्स, सो वट योर रिएक्शंस, देन ही सेड वेरी क्यूट लाइन कि वो अपना सपना पूरा नहीं कर रहा, वो मेरा सपना पूरा कर रहा है। ये मेरा ड्रीम है कि रामचरण ऐसे कैरेक्टर्स करे हॉलीवुड में, हॉलीवुड को पता लगे कि इन लोगों का क्या क्राफ्ट है और इंडियन सिनेमा से भी सुपरस्टार जा सकते हैं। और भाई यही अंतर पड़ता है, देखिए सोनू कपूर हो, अनिल कपूर हो, बहुत सारे एक्टर हैं जब वो हॉलीवुड में जाते हैं तो बोलते हैं बॉलीवुड बॉलीवुड से आए हैं, बॉलीवुड से आए हैं, और यहाँ पर ना NTR ने बोला कि इंडियन सिनेमा से भी कोई स्टार जा सकता है। दिस इज़ द डिफरेंस आई वॉज टॉकिंग अबाउट। भाई ये लोग है ना सही में मेरे को तो बड़े क्यूट एंड प्योर से लगते हैं, बाकी अंदर से कैसे हैं आई डोंट नो, बट जितने इंटरव्यू सुने हैं गोल्ड। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप एक्साइटेड हैं कि नहीं रामचरण के। बाकी मिलता हूँ आपसे जल्द, बाय बाय।